हूं शेख इमरान और आप देखना शुरू कर दिए हैं मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजीव में वार्षिक उत्सव भूमि पूजन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राएं बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में हिस्सा लिए और छत्तीसगढ़ी एवं देशभक्ति गीतों में मनमोहक प्रस्तुति देकर खूब तालियां भी बटोरी। इस मौके पर राज्य विधानसभा के विधायक अमितेश शुक्ला ने विद्यालय के विकास कार्य के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा भी की है। देखिए यह खास रिपोर्ट। राजीव विधायक अमितेश शुक्ला लगातार स्कूल कॉलेज के वार्षिक उत्सव में शामिल हो रहे हैं और लाखों रुपए की विकास कार्य की सौगातें दे रहे हैं। दरअसल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजीव में वार्षिक उत्सव भूमि पूजन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजीव विधायक अमितेश शुक्ला शामिल हुए, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और छत्तीसगढ़ी व देशभक्ति गीतों में मनमोहक प्रस्तुति देकर खूब तालियां भी बटोरी। Ye dil ke raat mein aaye, ye baat mein aaye।
हम सर पर ये केसरी रंग सजाया है। कहाँ गए बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए, मम्मी दादी दादा सब रोते हैं तुम कहाँ गए। इधर देखो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको याद करना अच्छे से। मेरे हर साल अच्छा लगता है और हर साल एंजॉय करते हैं हम लोग, और हम लोग का लास्ट ईयर था तो आज और मजा आया, मस्त अच्छा लगा। हर साल हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव होता है और इस साल भी हुआ है, जिसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और इस साल भी लिए है, हमारा लास्ट ईयर है इसलिए हम लोग इस साल बहुत इंजॉय किए हैं। इस मौके पर विधायक अमितेश शुक्ला ने स्कूल के विकास कार्य के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा करते हुए कहा कि शासकीय स्कूल व कॉलेजों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दे रहा हूँ, ताकि यहाँ के बच्चे अच्छे सुविधा में पढ़ाई कर MBA करें, IPS, IAS और बड़े अधिकारी बने। अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, अंग्रेजी स्कूल है, उसमें फीस बहुत ज्यादा रहती है और इसलिए जो बहुत अति गरीब और गरीब जो लोग हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, वो अपने जो भी पढ़ाते हैं वो शासकीय विद्यालयों में या स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो उसको ध्यान देना सबसे जरूरी है, क्योंकि हमें वहीं से लाल बहादुर शास्त्री जो है पैदा करना है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो अपने लैंप की रोशनी में पढ़ाई करते थे, इतनी गरीबी उन्हें भुगती थी अपने उसमें। मेरा वही विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको आर्थिक सहायता दूँ और इतना ताकतवर बनाऊँ कि यहाँ से बड़े मेधावी सब MBA में जाएँ, खूब पैकेजेस मिले उनको, खूब IAS बने, बड़े अच्छे अच्छे ईमानदार राजनेता बने, ये सब उद्देश्य से, क्योंकि यही तो एक हमारी जो है जिससे कि, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो भी सुविधा हो सकती हो दिलाने का प्रयास और पैसा मैं दे के इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कूल बनाने का और कॉलेज बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। वहीं शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को विधायक ने स्कूल के विकास के लिए बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। ये जैसे बाउंड्री वाल ये पिछले 15-20 साल से टूटा हुआ पड़ा था, ये गर्ल्स स्कूल है, सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये बिल्कुल असुरक्षित था, और वो 5 लाख रुपया 2 बार आके वापिस जा चुका था। अभी मैं बनी हूँ, उसके तुरंत बाद इसका भूमि पूजन अभी करवाई हूँ, ये 6 महीने में कम्प्लीट हो जाएगा, तो मेरे से जितना बन सकेगा उसे ज़्यादा करने की कोशिश करूंगी, और हमारे विधायक महोदय का वरद हस्त हम लोग के पास है ही, वो हम लोग जैसा बोलेंगे जिस तरह से चाहेंगे इसका स्कूल का विकास होगा। और ये गर्ल्स स्कूल है, यहाँ की छात्राएँ इतनी प्रतिभाशाली हैं, स्टेट लेवल तक खेल रही हैं, राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हो रही हैं। हाँ, अब कांग्रेस की सरकार है तो जरूर निश्चित रूप से विकास होगा पूरा नगर के, और जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ सब तरफ चौतरफा विकास होगा। पहले तो और यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की जो समस्या है वो खत्म होने लगी है, कुछ कुछ बचा है वो भी पूरा हो जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य विधायक अमितेश शुक्ला ने शाला प्रबंधन विकास समिति को विद्यालय के विकास के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी है, साथ ही भरोसा दिलाया है कि स्कूल की सभी समस्याओं को वे जल्द से जल्द दूर भी करेंगे। फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान और मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत, और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क।